أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हेलो डियर अस्सलाम वालेकुम सो डियर हमने फर्स्ट टेक्निक्स जो बायोलॉजी में था वो था माइक्रोस्कोपी इसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन के साथ इसका एक एक पार्ट डिफाइन भी किया था और एक्सप्लेन भी किया था सो डियर आज हम सेकेंड टेक्निक्स जो बायोलॉजी में है वो है स्टेनिंग स्टेनिंग वो टेक्निक्स है जिस पर हम सेल के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स क्या करते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं किसकी वजह से ये पार्ट हम अलग अलग जो स्टडी करते हैं ये किसकी वजह से हम स्टडी करते हैं वो है फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको डाई एड करते हैं इस डाई एड करने से हम इसके अंदर जो पार्ट्स है इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सो डियर बायोलॉजी में सेकेंड टेक्निक्स क्या है स्टेनिंग सेकेंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी इज व्हाट इज स्टेनिंग स्टेनिंग क्या है स्टेनिंग है इट द टेक्निक्स इन विच डिस्टिंग्विशिंग Distinguishing various parts of the cell by adding dye. एडिंग डाई की वजह से हम सेल के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स का क्या करते हैं फर्क करते हैं एक दूसरे से ये वो टेक्निक्स है बायोलॉजी के अंदर जो हम सेल के अंदर का पार्ट्स एक दूसरे से क्या करते हैं हम इसमें हम फर्क कर सकते हैं किसकी वजह से आयोडीन डाई की वजह से इसको हम डाई क्या करते हैं ऐड करते हैं और इस डाई ऐड करने के बाद जो डिस्टिंग्विशिंग आती है इसके पार्ट्स में सो इस टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं स्टेनिंग कहते हैं स्टेनिंग किसके लिए हम इस्तेमाल बायोलॉजी के अंदर स्टेन्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन कॉन्ट्रास्ट स्टेन हम इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमको क्या हासिल हो जाए कंट्रास्ट हासिल हो जाए कंट्रास्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक एक पार्ट को जब डाई हो जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं कंट्रास्ट कहते हैं कंट्रास्ट हम इसको कहते हैं सो एंड ऑब्जर्व observe different parts of the cell so इसी वजह से हम सेल के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट क्या कहते हैं इसकी वजह से
हम ओ दे। और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप के अंदर जो रिजोल्यूशन पावर है वो भी 10 की वजह से हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेम सैंपल को डाई एड किया और डाई एड करने के बाद उस सैंपल हम अच्छी तरह क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स डाई हो जाते हैं। सो डियर स्ट्रेंथ का सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेंथ इंक्रीज इंक्रीज स्ट्रेंथ इंक्रीज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश वेरियस पार्ट्स इजीली। इसी वजह से स्ट्रेन की वजह से हम माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और इंक्रीज करने के बाद जो पार्ट्स में डिस्टिंग्विशिंग है वो हम क्या कर आसानी के साथ कर सकते हैं। सो डियर इसके बाद हम स्टैंड Then are used for different parts of the cell in some cases stem your same are different in concentration concentration are different in concentration per dash t gashing different parts. सो डियर हम स्टेन यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर। जब हम असल में स्टेन एक केमिकल है जिसको हम डाई के तौर पर एक पार्ट को फॉर एग्जांपल एक पार्ट को इसकी वजह से हम डाई करते हैं और डाई करने के बाद हम वो अच्छी तरह किया करते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं। सो इस डिस्टिंग्विशिंग की वजह से फॉर एग्जाम्पल हमने एक डाई को ऐड किया एक पार्ट की ओ पार्ट इस डाई के वजह से हमको अच्छी तरह डिस्टिंग्विश हुआ। और दूसरा पार्ट है जो इस कंसंट्रेशन में
इज डाई वो डाई क्या नहीं कर सकते, इसको अच्छी तरह डिस्टिंग्विशिंग इसमें अच्छी तरह डिस्टिंग्विशिंग नहीं कर सकते। सो डियर इसमें अच्छी तरह डिस्टिंग्विशिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर क्या ले लिया, ये डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट इन कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ, हम मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के कंसंट्रेशन में स्ट्रेंथ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सलवार के लिए हमने एक तरफ के कंसंट्रेशन फॉर एग्जाम्पल 50 में हमने ले लिया, सेल मेम्ब्रेन के लिए हमने 40 में ले लिया, और साइटोप्लाज्म के लिए हमने 20 में ले लिया, और न्यूक्लियस के लिए हमने डिफरेंट में ले लिया। सो डियर बात औकात हम इसको सेम यूज करते हैं, सेम यानी कि सेम कंसंट्रेशन यूज करते हैं, और कभी कभार हम इसको डिफरेंट कंसंट्रेशन में डिस्टिंग्विशिंग के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल आर सो गुड फॉर द एजली डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंट पार्ट्स। सो सेल के अंदर ये एक गुड फ्रैक्ट है जो हम इसको स्टेन की वजह से क्या करते हैं इजली डिस्टिंग्विशिंग करते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं वन बाय वन पार्ट्स एग्जामिनेंट वन बाय वन पार्ट्स एग्जामिनेंट सेपरेटली बाय द रोल ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स। सो ये सब का सब जो किरदार है ये स्टीनिंग का टेक्निक्स का किरदार है, जो हम एक पार्ट्स को अलग अलग किया करते हैं अलग अलग देखते हैं। सो ये सब का सब जो रूल है ये स्टेनिंग टेक्निक्स का है। सो डियर मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बता दिया कि सेल का ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है जो हम इसको डाई की वजह से क्या करते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं। सो डियर ये स्टेनिंग का टेक्निक्स का फर्स्ट टॉपिक था जो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेनिंग टेक्निक्स डिफाइन किया, और इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ये इस स्टेन की वजह से हम
आप अटेंड करते हैं, कंट्रास्ट आप अटेंड करते हैं, और इसके बाद हम मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स को अलग अलग क्या अलग तरीके से देखते हैं। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर भी है, ये इस स्टेनिंग टेक्निक की वजह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म का स्टेन क्या है ज़रूरी है, मगर इसके कंसंट्रेशन में तो या सेम है या डिफरेंट है, लेकिन वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। या कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए उन पार्ट्स को या कम, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं? कंसंट्रेशन आप स्टैंड पर डिपेंड करते हैं। सो डियर, ये आज का लेक्चर यहीं तक काफी था। सो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको स्टैंड और इसके टाइप्स जो जो प्रिंसिपल स्टेन है, कंट्रास्ट स्टेन है, इसके बाद वाइटल स्टेन, नॉन वाइटल स्टेन, सो इंशाल्लाह हम सीक्वेंस से वो सब के सब डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर, अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़।